साथियों, मैं देवेंद्र MBBS क्लासेज MBBS डिफेंस क्लासेज हमारे यहाँ पुलिस आर्मी नेवी एयरफोर्स अग्निवीर SSC की तैयारी चैन नहीं तो फीस नहीं का उद्देश्य लेके कराई जाती है। कल मैंने आपको पढ़ाया था घनमूल, आज हम आपको महत्तम समापवर्तक GCF SCF के बारे में बताएंगे। तो ललित बाबू, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक जिसे मासा कहते हैं शॉर्ट में, उसी तरह SCF या GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। साथियों, मास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन फैक्टर वह संख्या जिसका दी हुई प्रत्येक संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए, दी गई संख्याओं का GCF या SCF या मास महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, दी गई संख्याओं की का मास GCF कहलाती है। जैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई संख्याओं में अलग अलग पूरा पूरा भाग चला जाता है, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है, GCF कहलाती है, SCF कहलाती है। अनुराग ठाकुर, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट 4, 8, 12 का मास महत्तम समापवर्तक GCF ज्ञात करना है, तो पहले 2 से चेक करते हैं, 4, 8, 12 सीधा 4 का 8 में चला जाएगा, 12 में चला जाएगा, तो 4 हो गई बड़ी से बड़ी संख्या। GCF महत्तम समापवर्तक 4 होगा। और विस्तृत रूप में 2 से भाग दो, 2 बार ये 4 बार, फिर 6 बार, फिर 2 से दे दीजिएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब इसके आगे एक नहीं जाएगा तो 2×2 महत्तम समापवर्तक मास GCF 2×2 4 होगा। विजय कुमार गाजियाबाद, देखो बेटा इसी क्रम में दूसरा सवाल है 3, 4, 6 का मासा महत्तम समापवर्तक। आपने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका प्रत्येक संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए मासा कहलाती है। तो पप्पू क्या करोगे, पप्पू अमेठी क्या करोगे, 3, 2 से यहाँ नहीं जाएगा,
तीन से यहाँ नहीं जाएगा, चार तीन से बड़ी है, इसीलिए इनका मास महत्तम समापवर्तक एक होगा, क्योंकि एक का प्रत्येक में भाग चला जाता है। दूसरी बात, जिन दो पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, एक जैसे कोई भी गुणनखंड नहीं मिलते हों, उनका महत्तम समापवर्तक एक होता है। इसी क्रम में क्वेश्चन तीन, अगर कोई पद इस तरह का है 2x 2x² y 6xq y² का मास देखना है, महत्तम समापवर्तक GCF FCF, तो क्या करना है? पहले ये देख लो किसका भाग जा सकता है, तो दो का प्रत्येक में भाग जा रहा है, तो मास के लिए दो। अब x का भाग x में चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा और इस स्थान पर भी, तो x, इसके बाद यहाँ कोई पद नहीं है तो छोड़ देंगे, इसीलिए महत्तम समापवर्तक दो होगा। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट बेटा, इसी क्रम में उपेंद्र 5, 45 और 9 का मासा बताओ, महत्तम समापवर्तक बताओ, HCF बताओ, GCF बताओ, लोएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा यहाँ सबसे पहले आप मासा देखना चाहते हैं, तो 5 का भाग यहाँ नहीं जाएगा, 3 का भाग यहाँ नहीं जाएगा, न 2 का, न 3 का, न 4 का, 5 का जाएगा तो यहाँ नहीं जाएगा, फिर यहाँ 6 तो बड़ी संख्या हो जाएगी, इसीलिए इसका मास महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहाँ कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो एक होगा, महत्तम समापवर्तक 5, 45 और 9 का, किसी के भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं तो क्या होगा, महत्तम समापवर्तक एक होगा। इसी क्रम में अब मैं एक और बताता हूँ, क्वेश्चन संख्या 5, 72, 56, 108 और 96 का मास महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो देखिएगा आप 2 से भाग दीजिएगा, 2 से जा रहा है प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में भाग जाना चाहिए, 2 से दिया 36, 2 से दिया 28, 2 से दिया 54, यहाँ 2 से दोगे 48, फिर 2 से दे दीजिएगा तो 2 से दोगे तो 18 है, यहाँ 14 है, ये 27 और ये 24। अब 2 से यहाँ नहीं जाएगा, 3 का भाग यहाँ नहीं जाएगा, फिर 4 का भाग यहाँ नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, तो मास महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 3 का भाग दे लीजिए, 3 का भी नहीं जाएगा, तो फिर जब किसी का नहीं जा रहा है तो इन्हीं पदों का गुणा होगा, 2 × 2 कितना हो गया, 4, तो मासा कितना हो गया, 4। महत्तम समापवर्तक ललित बाबू, ललित बिजनौर, मासा 4 होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, क्वेश्चन संख्या 6, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसका, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसका 24, 60 और 84 में पूरा पूरा भाग चला जाए, भाग चला जाए या पूर्ण विभाजित हो, विभाजित हो जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिस से या जिसका 24, 60 और 84
में पूरा पूरा भाग चला जाए या पूर्ण विभाजित हो जाए। तो भाइयों, इस शर्त में आपने लिखा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका प्रत्येक दी हुई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक GCF SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो ब्रजेश्वर क्या निकालोगे? 24, 60, 84 का मासा निकालना है तो 2 से भाग दीजिए, 12 बार, 30 बार, 42 बार, फिर 2 से दे दीजिएगा तो कै बार जाएगा 12 में? 6 बार, 30 में 15 बार, 42 में 21 बार। अब 2 का प्रत्येक पद में भाग नहीं जा रहा तो किरण कितने का जाएगा? 3 से दे दो, 3 से दोगे प्रत्येक पद में जा रहा है 2 बार, 5 बार, 7 बार। हिमांशु, अब किसी संख्या का, किसी पद का प्रत्येक पद में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो इनका गुणनफल ही आपका महत्तम समापवर्तक होगा। महाशय, 2 गुणा 2 गुणा 3 4, 4 3 12। इसी साथियों, बेटा वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 39 और 84 में, 39 और 84 में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। रविंद्र बाबू, कितना शेष बचे? 3 शेष बचे। तो 3 को पहले भैया इसमें से लेस कर दो, 39 में से 3 घटा दो और 84 में से 3 घटा दो। मोहित, 39 में से 3 कम करने के बाद 36 बचा और 84 से 3 करने के बाद 81 बचा, ये चीज़ बच गया। अब भैया इसका वह बड़ी से बड़ी संख्या मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक, मासा, GCF। तो इनका मासा निकालने के लिए 36 और 84 का भाग दीजिए, 2 का जा रहा है यहाँ नहीं जा रहा, 3 का दीजिए, 3 का जा रहा है दोनों में, तो 12 थी 36 और 27 थी 81, फिर 3 से दे दीजिएगा, 3 से दोगे तो 4 बार और ये 9 बार, अब नहीं जा रहा। तो मासा वह संख्या महत्तम समापवर्तक 3 गुणा 3 कितना आ गया? 9। इस तरह के सवाल अगर आते हैं कि इतना प्रत्येक दिशा में शेष बचता है तो शेष बचता है तो घटा दो और कम पड़ता है तो जोड़ दीजिए, अगर कम पड़ता तो जोड़ देते तो यहाँ 33 आता और उस स्थिति में यहाँ 78 आता, यहाँ अधिक है शेष बचता है तो कम कर दीजिए, 36 और 81 आ गया। 36 से 81 का भैया मासा निकालिए, GCF ग्रेटर कॉमन फैक्टर, तो फिर 9 आ गया। बात समझ में आ गई साथियों? आप लास्ट तक देखें, चैनल को पूरा देखें, रील को कंप्लीट देखें। मेरा अनुरोध है साथियों से सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं, सहयोग करें। आपके लिए, उन साथियों के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, वो आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से सहयोग करना चाहता हूँ। आप लोग सहयोग करें और सब्सक्राइब करें, साथियों से सब्सक्राइब कराएं, उसमें कोई खर्च नहीं होता। और वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत कुछ मिलेगा और मैं आगे को मेरा आप उत्साह वर्धन करते रहोगे तो मैं आगे को इसी तरह आपके लिए प्रतिदिन आए दिन मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की, फिर हिंदी, इंग्लिश, GK की रील डलवाता रहूँगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। साथियों, महत्तम समापवर्तक LCM वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं से अलग अलग पूरा पूरा भाग चला जाए, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक LCM या LCM कहलाता है। LCM वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक संख्या का अलग अलग पूरा पूरा भाग चला जाए, दी गई संख्याओं का LCM
एलसीएम कहते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन फर्स्ट 4, 6, 8 का लॉस ऑफ लघुत्तम समापवर्तन ये हो गया 4, 6, 8। कैसे करते हैं साथियों? 2 से भाग 2, 2 से 2 2, 3, 4। फिर एक एक आ जाना चाहिए प्रत्येक पद में एलसीएम के लिए, तो 2 से फिर भाग दीजिए 1, 3, 2, फिर 2 से दे दीजिएगा 1, 3, 2, 1, फिर 1 से दे दीजिएगा 3 से 2, तो 1, 1, 1। अब लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 2 × 4 × 8 = 24, तो लसाअ लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 24 होगा। इसी क्रम को देखते जाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ तक गुणा करने के बाद इन दो पदों का अलग अलग गुणनखंड है तो सीधे कर सकते हैं। कुलदीप आगरा बेटा क्वेश्चन संख्या 2, इसी क्रम में लिख रहा हूँ 30, केवल कुलदीप आगरा 30, 45, 90 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम बताइए। तो इसके लिए क्या करोगे कुलदीप जी? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए एलसीएम कहलाती है, तो क्या करोगे बेटा? हाँ बताओ, 2 से भाग दे दो, 2 से 15 45 45, फिर 3 से दे दीजिएगा 5 15 15, फिर 3 से दे दीजिएगा 5 5 5। अब प्रत्येक पद 5 का है तो 5 लिख दो या सीधा 5 लिख दो नीचे गुणा में, ये कोई बात नहीं पड़ती। तो एलसीएम लसाअ लघुत्तम समापवर्तक 2 × 3 × 3 × 5, तो ये हो गया 6 × 3 = 18, 5 = 90 एलसीएम। देखो बेटा 30 का भी भाग चला जाएगा 90 में, 45 का भी भाग चला जाएगा 90 में, और 90 से भी भाग चला जाएगा 90 में, तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना हुआ? 90। इसी क्रम में एक सवाल और इसी से क्वेश्चन संख्या 3, प्रवीण 3, 4, 6, 15 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम बताइए। प्रवीण कुलदीप ग्वालियर लासा निकालना है, तो देखिए 2 से भाग दो 3, 2, 3, 15, फिर 2 से दे दो बेटा 3, 1, 1, 3, 3, 15, फिर 3 से दे दीजिएगा 1, 1, 1, 5, फिर 5 से दे दीजिएगा 1, 1, 1, 1, जब तक 1, 1 प्राप्त नहीं हो जाए उस क्रम तक। अब एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? 2 × 4 = 12, 5 = 60। देखो बेटा 4 × 3 = 60 60 में 20 बार, 4 × 2 = 15 बार, 15 × 2 = 4 बार। आपका एलसीएम लसाअ वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 18, 21, 24, 27 का पूरा पूरा भाग चला जाए? छोटी से छोटी संख्या का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक लसाअ एलसीएम। आपको एलसीएम निकालना है, तो 18 प्रदीप अजय रामानुजम पहले बेटा 2 से भाग दीजिए 9, 21, 12, 27, फिर 2 से भाग दीजिए 9, 21, 6, 27, फिर 2 से भाग दे दीजिए 9, 21, 3, 27, अब 3 से भाग दे दीजिएगा 3, 7, 1, 9,
फिर तीन से दे दीजिएगा, तीन एक, तीन से भाग दोगे तो ये एक सात एक और तीन। अब ये वैनिष्ठ पद हो गए, सीधा गुणा कीजिएगा लघुत्तम समापट एलसीएम, दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन एक ये तीन और गुणा सात, दो दूनी चार दूनी आठ फिर चौबीस, तीन चौबीस या बहत्तर, इस क्रम में गुणा करोगे तो गुणनफल 1512 प्राप्त होगा। दो दूनी चार दूनी आठ फिर चौबीस या बहत्तर, बहत्तर गुणा इक्कीस, तो बहत्तर गुणा इक्कीस करोगे तो 1512 प्राप्त होगा। इस तरह चालू होती वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, छोटी से छोटी संख्या मीन्स लस और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें दो तीन चार पाँच से भाग देने पर प्रत्येक दशा में या प्रत्येक के साथ एक वन शेष मिलते, कोई भी पद हो दिए हो और ये कहा जाए कि प्रत्येक के साथ इतना शेष बचे, तो आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जितना शेष बचता है उसे जोड़ दीजिए, वह संख्या प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालिए, लसा निकालिए, लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, जितना प्राप्त होता है जो शेष बचता है उसे उसके एलसीएम लसा में जोड़ दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा, वह पद प्राप्त हो जाएगा, वह पद संख्या प्राप्त हो जाएगी। रॉकी रॉकी विजनौर रॉकी, दो तीन चार पाँच का एलसीएम निकालिए, लस दो से बात कीजिए, एक तीन दो पाँच, अब वैनिष्ठ गुणनखंड हो गए तो लस हो जाएगा, प्रत्येक पद अलग अलग हो गया तो लस हो जाएगा, आगे तक कोई जरूरत नहीं करने की, दो गुणा तीन गुणा दो गुणा पाँच, तो ये हो गया दूनी छः दूनी बारह पंजे साठ, तो इसका लस एलसीएम लस साठ आ गया। अतः वह संख्या साठ प्लस एक बराबर इकसठ होगी।